नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, कलश के ऊपर, कलश में जो है नारियल हम रखते हैं, कई समय हम दीप प्रज्वलन करते। आप कई लोग कहते हैं कि दादा केले आदि भी कई जगह पर देखे जाते, तो कौन सा सही है? तो शास्त्रोक्त अगर हम नियम के अनुसार देखें तो यहाँ पर कहा गया है कि पूजा में शशीष डाब यानी कि शीश सहित जो है, जो शीश सहित होता है, नारियल का जो शीश सहित होता है, इसके बारे में असल में जो है, मैंने वैसे तो एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है दुर्गा पूजा के समय ही जो है, वो अगर आप लोग देखते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया है कि शीश एक्चुअली क्या होता है। डाब जो होता है, कच्चे डाब में वो शीश युक्त होना चाहिए, तभी जो है वो आप रख सकते हैं। तो शीश डाब जो है वो रखे जा सकते हैं। पूर्ण नारियल यानी कि छिलका आदि समेत जो है, पूर्ण नारियल जो है वो आप रख सकते हैं। कई समय देखिए नारियल आदि हमें रखना होता है, यानी कि कलश छोटे होते, जैसे लक्ष्मी पूजा आदि में कई समय जो है पूर्ण यानी छिलका समेत जो है पूर्ण नारियल जो है वो कई समय हम नहीं रख पाते, पर जो नारियल हम रख रहे हैं उसमें थोड़ा छिलका रहे, बस ये विषय अगर ध्यान में रखकर जो है हम रखते हैं तो भी सही है। मतलब शीश अगर कच्चे डाब रख रहे हैं तो उसे शीश होना ज़रूरी है, और नारियल जो है वो पूर्ण नारियल ही उत्तम होता है। उसके अभाव में जो है, यहाँ पर कलश के आकार अनुसार जो है, आप जितना छिलका आदि हो सके, असल में नारियल में जो होता है ना वो एक आच्छादन होता है, तो उस तरह से ही नारियल रखना सही होता है। तो जो नारियल जो है, मतलब पूर्ण नारियल जो होता है, कच्चा नहीं, जो सूखा वाला जो पूर्ण नारियल जो होता है, जिसका छिलका आदि से धूप आदि किए जाते हैं दोस्तों, तो वही नारियल जो है आपको रखना चाहिए। और बेल फल जो है, ये तीन जो है सबसे उत्तम होता है। एक शीश डाब जो है वो उत्तम होता है, पूर्ण नारियल या नारियल जो है वो उत्तम होता है, और बेल फल जो है ये उत्तम होता है कलश के लिए, श्रीफल कहा जाता है इसे। इसके अभाव में जो है, इसके अभाव में आप जो है हरी तकी रख सकते हैं, और व्रत आदि में केले या दूसरे फल आदि भी रखे जा सकते हैं, यानी कि केले या फिर कोई ऋतु फल आदि भी रखे जा सकते हैं व्रत आदि अगर हो रहे हैं तो। कई लोग उस जगह पर दीपक आदि प्रज्वलन करते, ये असल में व्रत आदि का नियम होता है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि दादा, हम लोग देखते हैं कि आपके उस तरफ जो है कई लोग लक्ष्मी पूजा आदि करते हैं, या फिर बिहार की तरफ भी जो है जो करते हैं, तो उसमें केले आदि रखते हैं, तो क्या ये सही है? असल में लक्ष्मी व्रत, हर गुरुवार को लक्ष्मी के माँ लक्ष्मी के व्रत कथा आदि पढ़े जाते हैं, उस हिसाब से वो कलश रखे जाते हैं, तो वो लक्ष्मी व्रत का कलश हो रहा है, तो इसलिए जो है वहाँ पर केले आदि रखना गलत नहीं है। दीपक आदि, जैसे कि एक दिन का जो व्रत, जैसे तीज आदि इस प्रकार का जो व्रत होता है, उसी में जो है दीपक आदि रखे जाते हैं। असल में ये जो है ना, ये एक प्रकार से, मतलब ये एक सौभाग्य का, जैसे केला बोल लीजिए, कोई भी फल बोल लीजिए, फल जो होता है वो हमारे एक परिपूर्णता का होता है। दीपक भी जो है प्रकाश का प्रतीक होता है, तो मांगलिक तौर पर जो है ये सारे रखे जाते हैं, पर ये व्रत आदि के लिए ही है, और दीप कलश आदि भी जो है वो व्रत आदि के लिए ही होता है। पर मूल रूप से जो है शीश डाब यानी कि कच्चे नारियल जो है वो आप रख सकते हैं, पूर्ण नारियल या फिर उसके, जैसे कि मैंने कहा कि कलश आदि के आकार के अनुसार आप, मतलब वो बड़ा वाला छिलका सहित नारियल नहीं भी रख पा रहे हैं तो भी थोड़ा सा छिलका सहित ही एक छोटा सा नारियल आप रख सकते हैं, समस्या नहीं है उसमें। हाँ, उसे छीलिए, पर मतलब उस नारियल को जो है छील कर ही, पर उसमें थोड़ा सा छिलका, थोड़ा सा जटा जो है उसमें होना चाहिए, जो है थोड़ा सा उसके जो नारियल है उसमें थोड़ा सा वो विषय रहना चाहिए, वही वाला नारियल जो है आप इस्तेमाल करिए। और बेल फल जो है,
ये आप जो है ये तीन प्रकार के जो है ये सबसे उत्तम होता है कलश के फल के रूप में। नित्य पूजा आदि के लिए हरितकी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और व्रत आदि में जो है केले या फिर ऋतु फल आदि और एक दिवसीय व्रत आदि में जो है दीपक आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है। दीप कलश असल में जो होता है ये मांगलिक कलश होता है दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि शर्शिष्टा नारियल और बेल फल जो है ये सबसे उत्तम होता है। तो आप जो है इन तीन फलों के माध्यम से ही जब भी आप कलश स्थापना करें, या तो शर्शिष आप डाप ले या फिर पूर्ण नारियल ले, या फिर मतलब कच्चे नारियल जो ले रहे हैं वो शीश युक्त होना चाहिए, या फिर पूर्ण आप नारियल ले छिलका सहित, और बेल फल जो है वो आप ले सकते हैं। इस प्रकार से जो है उत्तम फल के साथ आप कलश स्थापना कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये विषय जो है वो समझ में आ गया है, और अगर फिर भी इस विषय में आप लोगों का कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या फिर जो है मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।